नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको टोटको द्वारा शादियां ख़राब करने के गंदे खेल के बारे में बताऊंगा और क्यों ये शुरू होता है और क्यों हमें रोकना चाहिए। दोस्तों, अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप की मर्ज़ी नहीं होती और शादी हो जाती है, लड़का लड़की को ले आता है ब्याह के, या तो लव मैरिज हो जाती है, या माँ बाप खुश नहीं होते इस बात को लेके कि उनको दहेज अच्छा नहीं मिला, या शादी बढ़िया नहीं हुई, या फिर उनके पसंद की नहीं हुई, या उनके पसंद की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। जहाँ ऐसा होता है वहीं पे अचानक माँ बाप अपने आप को, जो इतना दुलार करते थे अपने बच्चे से, अपने बेटे से, वही विलन बन जाते हैं। वही माँ बाप जो इतना प्यार करते थे, जान छिड़कते थे, वही उसके रिश्ते को तोड़ने पे उतारू हो जाते हैं। थोड़ा सा बेटा शिफ्ट होता है औरत की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने उसकी शादी की है तो उसको थोड़ा ध्यान अपनी पत्नी को भी देना पड़ेगा। अगर आपको अपना बेटा बिल्कुल ही किसी से शेयर नहीं करना था तो आपको उसकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आप अपना भक्त बनाए उसको बिठाए रखते। जब उसको शादी करी है तो उसका दायित्व अपनी पत्नी की तरफ भी है, पति धर्म का भी दायित्व उसको निभाना होगा, हर चीज़ उसको पूरी करनी होगी। तो यूँ कह लो कि लड़का तो एक सैंडविच टोस्टर की तरह रह जाता है, दोनों उसमें पिस जाता है, एक तरफ बीवी एक तरफ माँ। पर कई दफ़ा माँ बाप अपने अपनी गुलामी कराने के चक्कर में उसी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करनी शुरू कर देते हैं, उसी की बीवी पे टोने टोटके करना शुरू कर देते हैं, या तो टोने टोटकों से उसको बीमार करने की कोशिश करेंगे, या मारने की कोशिश करेंगे, या रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे, या भगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लड़के ने उस लड़की के बारे में क्या सोचा, या उसकी तरफ ध्यान क्या दिया, या उसके साथ टाइम ज़्यादा क्या स्पेंड किया, एक दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग पनपने लगती है कि भाई हमारी लड़के को तो इसने बस में कर लिया है, इसने तो हमारे लड़के को वो कर लेगी, मेरे से अलग कर देगी, और इसने तो पता नहीं क्या टोना टोटका करती है जो मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा। और फिर ये बात वो चार औरतों से डिस्कस करेगी, सहेलियों से करेंगी, वो और चार मिर्ची लगा के भड़का देंगी। क्योंकि कोई भी भारी बंदा नहीं पसंद करेगा, अंदरूनी तौर पे जो नफ़रत होगी ना वो बाहर सहानुभूति के तौर पे निकलेगी कि हाँ हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को लेके चलते हैं किसी बाबा जी के पास, इस पर कोई तंत्र कर दे या गया है उसको काटने के लिए, वशीकरण को रोकना है तो इस सब मेन चीज़ है, इस औरत को अलग करा जाए, इसको भगाया जाए। और आप बिना ये सोचे आया उसने वशीकरण किया है नहीं किया, बस उतारू हो जाते हो लड़के को उसकी बीवी से अलग करने के लिए। उस लड़के को उसकी बीवी से अलग कर देते हो जिससे वो प्यार करता है, जिस पे वो जान छिड़कता है, सिर्फ इस जलन के मारे कि वो अब आपको कम पूछ रहा है या उसकी प्रायोरिटीज़ बट गई हैं। अगर आपको हर वक्त सेवक चाहिए तो आपको शादी उसकी नहीं करनी चाहिए, और जब शादी कर दी है तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसके भी कुछ दायित्व हैं। बहुत लोगों ने, बहुत पेरेंट्स ने इसी बेवकूफ़ी में आके जलन के चलते, ना खुशी के चलते, अहम के चलते, अकड़ के चलते, घमंड के चलते कि इस घर पे तो हम ही राज करेंगे, ये कल की आई है क्या मांगती है, ये ऐसी गलत सोच पनप के अपने अंदर पैदा करी। और लोगों से डिस्कस किया, ऐसे सहेलियों से डिस्कस किया जो और भी क्रूकेड हैं, उन्होंने और पट्टी पढ़ा दी कि हाँ इसके रिश्ते को ख़राब कर और इसको भगा, और बस लग गए तंग करने बहू को। या तो कोई टोना टोटका करेंगे, या उसके खाने में बाल डालेंगे, या खाने में कोई और चीज़ कर देंगे जिससे या तो बीमार हो जाए। वो ही लड़की अपने मायके में बिल्कुल स्वस्थ रहती है, ठीक रहती है, जैसे ही वो ससुराल आती बीमार होना शुरू हो जाती है, झगड़ा कलेश शुरू हो जाता है। अलग रहने की वो बात करें तो कलेश हो जाता है, या कि भाई और हस्बैंड नहीं कहता तुम अलग रहो, मैं दोनों घर जाता रहूँगा। ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ देखी गई हैं, मेरे पास इतने केसेज आते हैं जहाँ अपनी माओ ने ही अपने बच्चों के, अपने लड़कों के भविष्य को ख़राब कर दिया, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप किसी भी टोने टोटके के सहारे से अगर अपने बेटे को अपनी पत्नी, उसकी पत्नी से अलग कर रहे हो तो आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, उसको बर्बाद नहीं कर रहे, क्योंकि आपके अलग करने से आपका बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। एक बारी तलाक की टुक लग जाती है, तलाकशुदा की या विडोवर की टुक लग जाती है तो आसानी से शादी नहीं होती, और होती भी है तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है। आप अगर सोच रहे हो कि दोबारा आप नई ले आओगे, पुरानी वाली को भगा दो, दोबारा और दहेज मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो ये बहुत गलत सोच है, ये एक लालची सोच है। जो भी वो बहू को ले आया, चाहे लव मैरिज करके लाया है, चाहे आपने अरेंज मैरिज की थी, पैसा कम लगाया उन्होंने, या आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है, जो भी बात है,
खुले दिल से, खुले हाथों से, बाहों में लेके उनको अपनाओ, जो है उसको अपनी किस्मत मान के आगे बढ़ो। पहली बात तो दहेज लेना ही कानूनन जुर्म है, और अगर आपको फिर भी ये होता है कि भाई आपके शादी में अच्छा पैसा लगे, अच्छा वो हुआ हो, ये हुआ हो, इस लालच को इतना मत बढ़ाओ। मेन चीज़ है जो मैटर करती है कि वो बच्चों में प्यार, अगर बच्चों में प्यार है, वो आपके बेटे का ख्याल रखती है, आप उसको प्यार देती है, आप लोगों को सम्मान देती है, आप घर में आपका ध्यान रखती है, घर को संभाल लिया है, आगे आपके वंश को चला दिया है, तो ये काफ़ी है, ये बहुत है। इसमें संतुष्ट होना सीखो और उनको प्यार दो। जितना ज़्यादा प्यार उस लड़की को दोगे, वही वाली बात होती है, जैसा आप देते हो वैसे ही आपको सामने से मिलता है, हाथ को हाथ धोता है। अगर आप सामने से नफ़रत दिखाओगे, नफ़रत दोगे, तो बदले में नफ़रत ही मिलेगी। ताने कसोगे तो आपको भी बदले में उल्टे जवाब ही मिलेंगे। अगर आप प्यार से बात करोगे, प्यार से अपनी बेटी की तरह रखोगे, तो वो भी आपको अपनी माँ समझेगी और आपको प्यार से रखेगी। हमेशा घर को बसा के चलो, उसको ख़राब मत करो। लोगों ने इन टोने टोटकों को कर करके अपने ही बेटे को बर्बाद कर दिया, अपनी ही गृहस्थी को ख़राब कर दिया, अपने परिवार को तबाह कर दिया। या तो बेटा अलग हो गया, या इतना घर में कलेश होने लगा कि पूछो ही मत। कई केसेस में तो उन्होंने अपने बच्चे से भी हाथ गंवा दिया टोने टोटकों के मारे, क्योंकि आपको इस दुनिया के बारे में नहीं पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी बंदा आपको कोई भी चीज़ दे रहा है, कोई भी गलत टोना टोटका आप कर रहे हो, कोई भी आप बलि दे रहे हो, कोई भी उल्टे सीधे आप काम कर रहे हो अपने बच्चे को अपने काबू में करने के लिए, या कोई भी। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप ने अपने एक्सक्रीशन तक का इस्तेमाल किया है फूड में देके अपने बच्चे को काबू करने के लिए। इतनी गंदी क्रियाएं माँ बाप ने की हैं, कहीं दुनिया भर की बलि नहीं है। इस तरीके से आप सिर्फ बेवकूफ़ी कहलाओगे और ईश्वर की नज़र में भी गिर जाओगे, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने परिवार को तबाह कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। इन चक्करों में मत पड़िए। मेरे पास हर चौथे दिन कोई ना कोई केस ऐसा ही आया हुआ होता है जहां माँ बाप ही अपने गृहस्थी को, अपने बच्चे को, उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और हर वक्त करते रहते हैं जब तक वो लड़का लड़की अलग नहीं हो जाते, जब तक लड़का लड़की में एक लड़ाई नहीं हो जाती, जब तक लड़की बीमार होकर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकल आती, ताकि बहाना मिल जाए पीछा छुटवाने का, बहाना मिल जाए तलाक का, बहाना मिल जाए अलग करने का। मतलब अपने और एक तरफ भगवान की मालाएं जप रही होती हैं, वही माएँ मंदिर जा रही होती हैं, ढोक खा रही होती हैं, और दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्रों को अंजाम दे रही होती हैं। तो ऐसी गंदी सोच मत पालिए, भगवान सबको देख रहा है, ईश्वर से डरिए, किसी का भी बुरा मत कीजिए। और जहाँ तो आप अपने ही बच्चे का बुरा कर रहे हो, दूसरे की बच्ची का बुरा करने के चक्कर में अपने ही बच्चे का, अपने ही लड़के का बुरा कर रहे हो। इस तरीके के मेरे पास इतने केसेस आए हैं कि मेरे पास गिनती नहीं है, और मैं यही देख देख के हैरान रहता हूँ कि वो जाता हूँ कि अपने ही माँ बाप कैसे इतने क्रूर हो सकते हैं कि वो अपने ही बेटे को उसकी पत्नी से अलग करने के लिए इतनी हदें पार कर दें। तो यही आपसे कहूँगा, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है कि आप थोड़ा सा बड़ा दिल करिए, थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, जो भी है, जैसा भी आपका की बहू है, जैसा भी आपका बेटा है, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से परिवार चल जाएगा, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, गिले शिकवे बातचीत से हल हो जाएंगे। हर चीज़ का हल ये नहीं होता कि आप उनको अलग ही करें, अलग करना आसान है, परिवार को तोड़ना आसान है, इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। इस बात को समझिए और हमेशा परिवार को बना के रखिए। बाहरी लोग कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, ये बाहरी सहेलियाँ, रिश्तेदार, ये सिर्फ किंकी डालने वाले हैं, सिर्फ कंकर फेंकने वाले लोग हैं, बेवकूफ़ बना के परिवार को तोड़ के मजा लेने वाले लोग हैं, ताली मार के बाद में हंसने वाले लोग हैं। इनकी बातों में आके अपने परिवार को मत तोड़िए, परिवार को बनाए रखिए। ये दुनिया ऐसी है कि बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना, आपको जेन्युइन इंसान मिल जाए ट्रीट करने वाला, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अपने आप को कठपुतली मत बनाइए तांत्रिकों की, सिर्फ इस चक्कर में कि आपको उस बहू को भगाना है और अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में रखना है, ये गलत सोच है, इसको त्याग दीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए मुझे वीडियो विवश होकर बनानी पड़ी, क्योंकि इस तरीके के केसेस मेरे पास इतने आते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो है, खुद मुझे लड़के बताते हैं उनकी माँ ने ऐसे किया, बहुएँ बताती हैं उनकी सास ने उनके साथ क्या क्या किया, और जब विजन से कनेक्ट होता हूँ उनके साथ तो दिखाई देता है उनके किए हुए कारनामे, तो हैरानी होती है देख के कि मतलब दुनिया कहाँ गिर गई है। और वो औरतें जो इतनी रिलीजियस हैं, दुनिया भर के सत्संग अटेंड करती हैं, उनके ये हाल है।
तो इसीलिए ईश्वर से डरिए, भगवान से डरिए, वो सबको देख रहा है, आपके हर कर्म को देख रहा है। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, इस तरीके का कोई ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, किसी ने भी किया, रिलेटिव ने, ससुराल वालों ने, किसी ने भी, आप मेरे से धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, हर तरीके की ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को भी पहना सकती हैं, आपकी रक्षा होगी दोनों की और आपको कोई आसानी से अलग नहीं कर पाएगा। आप जो है मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा, ये पेड होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतिपान सिंगला।